अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं 12 बजे आपकी खैरियत मालूम करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो फिर कैप राउंड 2 की डेट्स आ गई है, स्टार्ट हो गया है ऑप्शन फॉर्म फिलिंग, बट मैं कल फिल करने वाली हूँ, मतलब आज से स्टार्ट हुआ है तो कल और परसों तक का टाइम है और मैं कल फिल करूँगी फॉर्म, बट घर पर नहीं, हम लोग कॉलेज जाएंगे मैं और मॉम। तो मैं और मॉम कल कॉलेज जाएंगे और मैं आपको अपने साथ अपने कॉलेज लेके जाऊँगी, ठीक है। वो अभी मेरा हुआ नहीं है, होने वाला है और आप दुआ करें कि वही हो जाए। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं उठ चुकी हूँ सो के और मैं जल्दी से नहा धो के फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। गाइस हम लोग निकल गए घर से, मैं और मम्मी। अभी प्लेटफॉर्म पे आए टिकट लेके और हम लोग के सामने से एक ट्रेन चली गई, बट लड़की बस ट्रेन के पीछे नहीं भाग रहे, तो हम लोग दूसरी ट्रेन का वेट करेंगे। ओके, ट्रेन आ गई, कुछ ज़्यादा धीमी नहीं है ये। दिलकश यहाँ मैं और मम्मी खा रहे हैं भाऊ का वड़ा पाव। फिर हम घर पे आ गए थे तो बहुत थक गए थे, तो मम्मी गर्म पानी में पैर डाल के बैठी है। हाय गाइस, तो फिर हम लोग कॉलेज से जाके आ गए थे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। जैसे सुबह हम लोग गए थे और फिर उसके बाद मतलब दोपहर को आए 3:30 बजे 4 पकड़ लो, तो इतना पूरा दिन ही वेस्ट हो गया समझ लो जैसे। और कुछ हुआ नहीं, वो लोग बोले कि कैप राउंड का फॉर्म नहीं भर के देंगे, आपको खुद ही फिल करना होगा। हम लोग को जहाँ तक कि पता था कि कॉलेजेस नहीं फिल करके देते हैं, बट जब हम लोग वहाँ सेमिनार अटेंड करने गए थे वो कॉलेज के, तो उन्होंने बोला था अगर आपको यहाँ एडमिशन चाहिए तो जब डेट स्टार्ट होंगी तो फिर आ जाना, हम आपकी हेल्प करेंगे, बिला बिला पता नहीं क्या। और फिर शायद वो रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे थे कि रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेंगे, क्योंकि वहाँ फैसिलिटेशन सेंटर भी है तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं वो लोग बस। तो मैंने आके अपना फॉर्म भर लिया, देखते अब क्या होता है। बाकी आप ब्लॉग इन्जॉय करें, देख चुके होंगे मेरा पूरा ब्लॉग, ठीक है। बाय।